हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तरों के विषय में। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सो गाइस, जैसा क्वेश्चन नंबर 141 है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका उत्तर होगा बीजाशन के द्वारा। तो वही क्वेश्चन नंबर 142 है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। तो ये नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा TSH। तो वहीं आगे आता है क्वेश्चन नंबर 144, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो इसका आंसर होगा अग्नाशय। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 145, किस अम्ल के मांसपेशियों में जम जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। तो नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 147 है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो इसका आंसर होगा पारसरण के द्वारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 148 है, आंखों के रेटिना की परंपरागत कैमरे की किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो इसका उत्तर होगा फिल्म भाग से। तो ये क्वेश्चन नंबर 149 है, अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अवक्षय। तो ये क्वेश्चन नंबर 150 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के से बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 151 है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 152 है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? तो इसका उत्तर होगा कैल्शियम। तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 153, मानव शरीर में औसतम ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर होगा 50%। तो वही क्वेश्चन नंबर 154 है, गुदा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। तो वही आगे आता है क्वेश्चन नंबर 155, रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। तो वही आगे आता है क्वेश्चन नंबर 156, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसका उत्तर होगा कैरोटीन की मौजूदगी के कारण। तो यहाँ आ गया था क्वेश्चन नंबर 157, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। तो यहाँ आ गया था क्वेश्चन नंबर 158, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। वही आ गया था क्वेश्चन नंबर 159, मनुष्य में एम्प्लाटॉक्सिन खाद्य विषांगतन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रस्तावित होता है? तो इसका उत्तर होगा यकृत। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 160 है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी वीडियो से अपडेट रहने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें।